गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको सातवें इंटरनेशनल योगा डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हार्ट को स्वस्थ रखने के कुछ प्राणायाम बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। सर्वप्रथम आप ऐसे ज्ञान मुद्रा में बैठ जाएंगे और उसके बाद गहरी सांस लेना है और आपको सांस छोड़ना है। इस तरह से आप करेंगे। शुरुआत में ये प्राणायाम आप 1 से 2 मिनट तक करेंगे और धीरे धीरे इसको बढ़ाकर 5 से 7 मिनट तक लेके जाएंगे। इस प्राणायाम को तेजी से नहीं करना, इस तरह से नहीं करना है, बिल्कुल मध्यम गति से गहरी सांस लेके छोड़ना है। दूसरा प्राणायाम आता है कपालभाति। कपालभाति जैसे नाम से ही आप जानते हैं, कपालभाति मीन्स कपाल मीन्स माथे पर चमक आ जाना, ग्लो आ जाना। उसके लिए हमें क्या करना है, सांसों को छोड़ना है और पेट अंदर जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जब आप कपालभाति करते हैं तो शरीर के अंदर हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से आपका फैट जो होता है वो धीरे 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 बर्न होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जैसे कोई भी मेडिसिन हम खाते हैं तो उसकी एक डोज फिक्स होती है, ऐसे कपालभाति के भी हमें एक टाइमिंग फिक्स करनी पड़ती है। एक तो इसको प्राणायाम में करें तो सबसे ज्यादा फायदा होता है, दूसरा इनिशियली हम इसको 2 से 3 मिनट तक करें, लेकिन धीरे धीरे इसको 10 मिनट तक आपको लेके जाना है। हम अगर जो 10-15 दिन भी कपालभाति करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह में काफी। अब मैं आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बताऊंगा। एक्यूप्रेशर में जैसे आपकी ये छोटी उंगली है और उसके बीच में ये पोजिशन है, इस पोजिशन को आपको दबाना है। जब आप इस पोजीशन को दबाएंगे तो आपको पेन महसूस होगा, तो पेन महसूस हो रहा है मीन्स आप ठीक जगह पे प्रेस कर रहे हैं। इसको तकरीबन 10 बार आपको ऐसे प्रेस करना है। साथ साथ जो अपनी छोटी उंगली है इसको भी आपको 8 से 10 बार इस टाइप से प्रेस करना है। और हार्ट की प्रॉब्लम में टेंशन स्ट्रेस लेवल का बहुत बड़ा रोल होता है, तो स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आपको इस पॉइंट को भी दबाना है। साथ साथ आप बीच में किडनी का पॉइंट भी दबा सकते हैं। अगर जो हमारा सही जगह पे प्रेस नहीं हुआ, इधर या इधर या इधर भी हो गया, तो इससे कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये पॉइंट कुछ एरिया को डिनोट करते हैं। तो आप ये प्रैक्टिस डेली कीजिए, 10 बार इस पोर्शन को प्रेस करना है इन दोनों के बीच में, 10 बार छोटी उंगली को, 10 बार आप तर्जनी उंगली को दबाएंगे और 10 से 15 बार किडनी का। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको एक नाक से सांस लेना है और दूसरे नाक से छोड़ना है। आप इस तरह से एक नाक को दबाएंगे, इस एक्सरसाइज को आपको इनिशियल स्टेज में 5 मिनट तक करना है और धीरे 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 कोशिश करना है हम इसको 10 से 15 मिनट तक लेके जाएं। नेक्स्ट प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में आपको जीभ को ऐसे बाहर निकालना है और सांस लेना है। उसके बाद मुंह बंद कर नाक से धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना है। ये प्राणायाम भी हमें 10 से 15 बार करना है।
उसके बाद जो हार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है, जैसे आपने देखा होगा कि इंसानों को 50% 70% 90% ब्लॉकेज आ गई है, तो हार्ट की ब्लॉकेज खोलने के लिए सबसे अच्छा आसन है, आप दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और दोनों हाथ को नीचे लेके आएंगे और सांस को बाहर छोड़ेंगे। इसको आपको थोड़ा जोरों से करना है ताकि हार्ट पे थोड़ा जोर पड़े। जो हार्ट के बड़े पेशेंट हैं, उनको आराम से करना है, जिसको कोई तकलीफ नहीं है वो इसको जोरों से भी कर सकता है। ऐसा हमें 10 बार करना है और इस एक्सरसाइज को हम मॉर्निंग में, दोपहर को, इवनिंग में, हम कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों, हार्ट को स्वस्थ बनाने के लिए आपको ना केवल प्राणायाम बल्कि डाइट पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ऑयली चीजों को कम खाना चाहिए और सबसे आसान उपाय यह है कि आप सुबह मॉर्निंग में खाली पेट स्मूदी का सेवन करें। स्मूदी बनाना भी बहुत आसान है। उसके लिए आप खीरा, टमाटर, लौकी, पालक, धनिया, इसका जूस बनाएं, इन सब चीजों को लेके मिक्सी में ग्राइंड करें पानी डालकर और उसको छान के पी लें। अगर जो आप स्मूदी का सेवन लगातार 15 दिन तक करते हैं तो निश्चित रूप से ये हार्ट को बहुत अच्छा बनाएगा, आपका ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं इस इंटरनेशनल योगा डे पे आप योगा को अपनाएंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। धन्यवाद।